तो बिल्कुल ही अलग है। सारे मतलब उस 25 में से तो 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। एक ही दो क्वेश्चन थे, पद्म विभूषण का मिला और हिंदी का लेवल थोड़ा सही करके क्वेश्चन है 23, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अलंकार वगैरह हिंदी में है लेकिन जीडी में। कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे यहाँ पे सीआरपीएफ का फर्स्ट डे का एग्जाम जो है छूट चुका है, जैसे कैंडिडेट बाहर निकलते हैं उनसे लाइव बड़ा फैक्ट बन रहा है। जीएस जीके काफी फंसा रहा था फर्स्ट शिफ्ट में, अब इस शिफ्ट में हम लोग देखेंगे क्या सिस्टम इसमें बन रहा है। तो सर बताइए जीएस का लेवल क्या लगा? जीएस का लेवल तो बिल्कुल ही अलग है। सारे मतलब उस 25 में से तो 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। 18 क्वेश्चन बता दिया भैया करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या योजना है से संबंधित पूछा? जीडीपी से करीबन 4 क्वेश्चन थे। अच्छा जीडीपी से। हाँ, और स्टडी जीके से तो एक ही दो क्वेश्चन थे। नृत्य से मतलब? हाँ, और नृत्य से थे। नृत्य कहाँ का पूछा गया? सतरिया। असम? असम सतरिया। सतरिया नृत्य यहाँ पे असम का जो है पूछा गया था। उसके बाद करते हैं, कोई करंट अफेयर थे और जीडीपी के थे क्वेश्चन। और पंडित जसराज को पद्म विभूषण का मिला? पंडित जसराज को पद्म भूषण। देखिए क्वेश्चन अब निकलना स्टार्ट हो गए हैं, आपको जीएस के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि भैया बारी बारी तीनों लोग हैं, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन याद करके बताएं। मैथ और रीजनिंग का लेवल सही आ रहा है। हाँ, और हिंदी का लेवल थोड़ा सही आ रहा है, लेकिन लेटेस्ट आई है अभी एक दो, मतलब 2023 कह सकते हैं। कुछ एक जयपुर का करके क्वेश्चन है, 23 जनवरी का क्वेश्चन है। हाँ, जनवरी के करीबन 5 क्वेश्चन थे, 5 जनवरी के ही थे। करंट में क्या करते हैं, क्या योजना पूछा गया था कोई? इतना तो यार नहीं लगा कोई पूछा गया वो करके था उसमें ऑप्शन जी। उद्घाटन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे। 6 से 7 आबादी करके था 2011। एसटी का परसेंटेज पूछा हुआ, कितनी आबादी है, यूनियन टेरिटरी या फिर इससे पूछा गया था स्टेट राज्यों में? एसटी की पूछा था। हाँ, अच्छा कोई आर्टिकल वगैरह हिंदी में है ना? हिंदी जो स्वतंत्रता 19 का कौन सा ये करके 19 का डी 19 ए पूछा गया था। और उसके पूछा गया था 19 एक प्रेस से संबंधित है। हाँ, नहीं विदेश स्वतंत्रता करके था, विदेश ना वो थोड़ी कैलकुलेट मतलब बड़े में दे रखे हैं ऑप्शन में, बहुत टाइम टेकिंग है। हिंदी है मतलब हिंदी में काफी क्वेश्चन जो फंसाने वाले होते हैं वो उसमें मुहावरा मतलब उदाहरण दे देता है। उसके दे रहे बड़े बड़े में दे रहे, बहुत पढ़ने में टाइम लग रहा है। पहचानने को आता है नहीं, अलंकार वगैरह से हिंदी देखो पोर्शन कोई ज्यादा नहीं था, ग्रामर पोर्शन भी ना जीडी टाइप में है, लेकिन जीडी में वहाँ पे पढ़ना ज्यादा नहीं पड़ता था, क्वेश्चन छोटा होता था, यहाँ क्वेश्चन बड़ा होता है, टाइम लग रहा ज्यादा, इसलिए टाइम पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। टाइम ठीक है, हाँ पूरी दिक्कत है जो पढ़ के करंट अफेयर नहीं आएगा उसकी पूरी दिक्कत है। अच्छा करंट अफेयर ज्यादा पढ़िए क्योंकि करंट अफेयर इस शिफ्ट में ज्यादा देखने को मिली है। अच्छा कोई पंचवर्षीय योजना से? पंचवर्षीय योजना से जनगणना से 3 क्वेश्चन थे, 2011 की जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2011 की जनगणना से 3 क्वेश्चन कह सकते हैं, 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब उसके बाद सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी 2011 में? 2011 में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा उसके बाद कोई बात करें, 2011 में एसटी का परसेंटेज कितना था? उसका बैंक की स्थापना वगैरह सुनी है? हाँ थी एक थी मतलब कि ग्रामीण सिडबी का पूछा गया था। सिडबी का स्थापना कब हुई थी? डीपी का स्थापना कब हुआ था ये पूछा गया था। 2011 में एसटी का परसेंटेज कितना था? एसटी आबादी का परसेंटेज कितना था? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को? हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था शायद, वो संस्थापक पूछा गया था, युद्ध पूछा गया था। नहीं वो क्या बोलते हैं उसे, अरे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा उसके बाद ये बताइए कोई उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनसे कुछ क्वेश्चन कार्यकाल वगैरह तो नहीं आया हुआ था? एक आर्टिकल था, दो क्वेश्चन थे शायद, दो क्वेश्चन पार्टी थे। अच्छा आप प्रत्यक्ष कर वगैरह से? नहीं नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं। अच्छा जियोग्राफी वगैरह भूगोल से कोई संबंधित कोई प्रश्न रहा हो? एक शायद एक भाई मैं जीएस आ रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ के आया है और करंट अफेयर पढ़ के आया, ठीक है, और संदर्भ जीडी संदर्भ 11 के जनगणना पढ़ के आया है। 15 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, 15 क्वेश्चन तक करने लायक थे, सुपर नहीं। अच्छा आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमारा वही 80 प्लस है। 80 प्लस अटेम्प्ट? हाँ 80 प्लस है। 80 प्लस अच्छा अटेम्प्ट किया है, और नेगेटिव मार्किंग भी है, पूरा तो कर ही नहीं सकते थे। मतलब मैथ में 4-5 क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव है, मतलब वो तो होते हैं यार, 25 में 4-5 तो हो रही है, सारे सुने जाएंगे। मतलब मैथ का लेवल जी, मैथ और रीजनिंग का लेवल सही था, रीजनिंग बिल्कुल आसान थी, आराम से क्वेश्चन। हाँ एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है पजल वाला क्वेश्चन, पजल का एक क्वेश्चन था, वही हम मैथमेटिकल सीरीज थे, काफी क्वेश्चन थे। उसके बाद बात करते हैं काउंटिंग फिगर वाला आता है, वो तो नहीं था? काउंटिंग फिगर नहीं था, अरेंज करना था, अरेंज करना था। अच्छा मिरर इमेज से कोई क्वेश्चन था? एक था, एक क्वेश्चन। अब पेपर फोल्डिंग वगैरह पेपर कटिंग वगैरह एक था, एक कुल मिला के जो चित्र वाले नॉन वर्बल है वो कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट क्या, वो सीरीज में बैठा ला था या फिर गोले में बैठा ला था? गोले और उसमें भी था, 3 क्वेश्चन थे, एक छोटा है बड़ा छोटा है, एक गोले का था और 2 उसमें पंक्ति 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 वाले थे। एक क्वेश्चन सीआरपीएफ का पूछा जाता है छोटा बड़ा वाला, वो था लंबा। अच्छा उसके बाद बात करते हैं एक सीरीज वाले क्वेश्चन थे वो टॉप लेवल के थे या फिर ज्यादा घुमा रहा था? जी 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 जीडी से जो जीडी में सीटिंग अरेंजमेंट आ रही थी ना उससे ही जी थे,
डायरेक्शन वगैरह तो नहीं है? डायरेक्शन था एक, रैंकिंग का था, रैंकिंग का क्वेश्चन था, एक रैंकिंग क्वेश्चन था, दिल हमसम हमसम जीएस सही था। और इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश तो आप लोगों ने दिया नहीं होगा, इंग्लिश किसी ने भी नहीं दिया है, तो इंग्लिश वाला जो मिलेगा तो इंग्लिश वाले भी आपको अगले वीडियो में बात कर लूंगा, कोई इंग्लिश वाला अगर मिलता है, इसमें तो सारे हिंदी वाले ही थे। उसके बाद कहते हैं मैथ में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया? मैथ में चाल समय दूरी से 3 से 4 क्वेश्चन थे। क्या वो औसत चाल पूछा गया था? एवरेज स्पीड से 2 क्वेश्चन थे। रेलगाड़ी वगैरह तो नहीं देख? रेलगाड़ी 2 क्वेश्चन वो एक थे, मतलब कुल मिला के टाइम एंड डिस्टेंस रेलगाड़ी से मिला के 5 क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे। अच्छा डी आई बार ग्राफ, डी आई से 2 क्वेश्चन थे, उसका एलसीएम एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से मिला है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क, एक आदमी इतने दिन में काम करता है, ये इतने दिन में, दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से दो क्वेश्चन थे लगभग, एक लेंथी कह सकते हैं। कुल मिला के सारे चैप्टरों से एवरेज दो दो तीन तीन क्वेश्चन देख जी जी। हाँ तो मैथ का पूरा लेवल बात करें तो मैथ का लेवल क्या लगा? मैथ का लेवल यही 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बाकी 17-18 ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं था? नहीं नहीं, ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, बहुत सारा था, लेकिन बहुत सारा था। इसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखने को मिल गया है, 2 क्वेश्चन थे लगभग एलजेब्रा से, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, एक ऐसे त्रिभुज का सीधा क्षेत्रफल पूछ लिया गया, तो फार्मूला भी बात करते हैं। मेंसुरेशन बेलन, इनसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बेलन, शंकु, गोला? नहीं नहीं, टूटी से तो नहीं था, आयत वगैरह से नहीं, टूटी इससे समबाहु त्रिभुज से था, केवल एक क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का था। तो ओवरऑल अगर मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो 25 में से कितने आराम से कर सकते हैं? 17-18 कर सकते हैं, नॉर्मल करने वाले की अच्छी तैयारी हो 20+ कर सकता है, 20+ जिसकी अच्छी तैयारी है 20+ क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो 17 क्वेश्चन कर सकता है। समास वगैरह तो नहीं पूछा गया? नहीं नहीं नहीं, संधि विच्छेद ग्रामर पोर्शन बहुत कम, बहुत क्वेश्चन बहुत कम था। जीडी में जीडी 5 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन का एक पैसेज पूछा गया था जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाक्य तो नहीं मिले थे? बेरोजगारी पे था ना, अपना पढ़ने के बेरोजगारी भी था, 5 क्वेश्चन था। भाई हिंदी का लेवल जो है ना थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम ले रहा है। हाँ तो ओवरऑल घर में मॉक टेस्ट दिया होगा आपने, उस हिसाब से यहाँ का लेवल क्या लगा? वहाँ से यहाँ मतलब रीजनिंग और मैथ का सही लगा, पर जीएस का तो रहा हूँ करंट पे तो दिमाग से, हाँ 12-13 ही कर पाए, देते थे ना वहाँ पे वो। चलिए लेवल की बात करें तो लेवल में बस जीएस का पोर्शन थोड़ा सा टफ देखने को मिला है और हिंदी लेंथी है, बाकी उसमें ग्रामर से ज़्यादा अंदर घुस के अलंकार वगैरह नहीं पूछे गए, समास भी नहीं पूछा गया इस शिफ्ट में। तो फिर से मिलेंगे अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।